स्थित शामली में शुगर मिल में गैस रिसाव की वजह से 500 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल शुगर मिल के कचरे को नष्ट करने के लिए डाले गए केमिकल से गैस रिसाव हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। देखिए किस तरह से गोद में बच्चियों को लेकर जाया जा रहा है। 500 बच्चे, एक दो नहीं 500 बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। कुछ बच्चों की हालत गंभीर भी है। शुगर मिल से हुआ है ये गैस रिसाव। और देखिए किस तरह से अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पैदा हो गया है। जिन पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस स्कूल का ये मामला है, जब उनके घरों तक ये बात पहुंच रही है बच्चों की, तो वो भी परेशान हालत में अस्पताल का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के शामली में गैस रिसाव से 500 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। और ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल शुगर मिल के कचरे को नष्ट करने के लिए डाले गए केमिकल से गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद बच्चे बेहोश हो गए। गैस रिसाव से पास के ही सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती जूनियर हाई स्कूल के 500 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए। यानी कि दो अलग अलग स्कूल हैं जिनके ये बच्चे हैं। 500 से ज्यादा ये बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है। फिलहाल शिक्षा विभाग मामले की जांच में तो जुटा हुआ है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इस बात की है, कोशिश इस बात की जा रही है कि जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जल्द से जल्द उन्हें सही इलाज वक्त पर रहते मिल जाए। यूपी के शामली से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, जहां पर शुगर मिल में गैस रिसाव की वजह से 500 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। दो अलग अलग स्कूलों का ये मामला है। आपको यहां पर कुछ छात्राएं दिखाई दे रही हैं, और जिनकी हालत गंभीर है उनको गोद में उठाकर ही लोग अस्पताल लेकर आ रहे हैं, ताकि समय रहते जल्द से जल्द इन बच्चों को इलाज मिल जाए। रक्षित संघ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रक्षित, सबसे पहले बच्चों की हालत के बारे में जानकारी दीजिए। दो स्कूलों के बच्चे, 500 से ज्यादा उनकी तादाद जो बीमार पड़ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो अचानक से बीमार पड़ गए। उनको आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल भी शामिल है और कुछ निजी हॉस्पिटल, वहां पर अभी लेकर गए हैं प्रशासन के आला अधिकारी। और उसके अलावा प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, डीएम एसपी से लेकर सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। और फिलहाल ये जो पूरा का पूरा मामला है कि किस तरीके से शुगर मिल के एक बॉयलर से ये गैस रिसाव होने की जो खबर है वो सामने आई है, तो किस तरीके की गैस है ये, कितनी हानिकारक है, कितने बड़े क्षेत्रफल में फिलहाल फैली है, इसका आकलन करने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत जो हो रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और आसपास के जो लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों से बाहर की तरफ निकलकर दूर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों पर इसका फिलहाल सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। बच्चे बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन सा केमिकल था, कौन सी गैस थी, ये फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी रक्षित, लेकिन देखा जाए सीधे सीधे लापरवाही का ये बड़ा मामला सामने आया है। शुगर मिल के कचरे को नष्ट करने के लिए केमिकल से गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद ये बच्चे बेहोश हो गए, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये देखिए, जिम्मेदारी सीधे तौर पर शुगर मिल की बनती है, चीनी मिल की। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि शामली वही इलाका है जहाँ से खुद गन्ना मंत्री जो है सुरेश राणा, वो इसी इलाके से आते हैं। बगल में ही उनका इलाका थाना भवन पड़ता है, जिला शामली पड़ता है। शामली जिला यानी कि मंत्री जी के जिले की एक चीनी मिल, सर शादीलाल शुगर मिल जो है चीनी मिल का नाम है, वहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। और दरअसल अभी चीनी मिलें जो हैं उनका पेराई सत्र शुरू होना है, अक्टूबर के अंत तक या नवंबर तक चीनी मिलें चलनी है, और इसीलिए पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। और उसी के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान, ये गैस रिसाव का जो पूरी की पूरी बड़ी लापरवाही है चीनी मिल की, वो सामने आई है। रक्षित, लगातार अस्पताल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर बच्चों को ले जाया गया है, क्योंकि जो पेरेंट्स होंगे, माता पिता, वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे इस खबर के सामने आने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जो पास का सरकारी हॉस्पिटल है, पीएचसी है, वहां पर लेके जाया गया है। इसके अलावा जो जिला अस्पताल है वहां पर बच्चों को लेके जाया गया है। इसके अलावा आसपास में जो निजी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया है, इसके अलावा जो और जो दवाइयां हैं जिन हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं इस तरीके की, जिससे गैस रिसाव के बाद में जो बच्चों को सांस लेने की बेसिकली दिक्कतें आई हैं, तो जहां पर ये एमिनिटीज, ये सुविधाएं अवेलेबल हैं, उन तमाम हॉस्पिटल्स में बच्चों को ले जाकर फिलहाल जो है वहां पर भर्ती कराया गया है। और कुल मिलाकर बड़ी लापरवाही चीनी मिल की ये सामने आई है।
जिस जगह पर ये शुगर मिल है उसके पास में ये स्कूल और जाहिर तौर पर वहां पर रिहायशी इलाका भी होगा, यानी कि जो लोग वहां पर रहते हैं घरों में वो भी अपने घरों को छोड़कर अब बाहर दूसरी जगह पर रुक कर रहे हैं। रक्षित जल्दी से। जी बिल्कुल, जो आसपास और सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी मिल बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। जैसे ही शामली जो शहर है वो शुरू होता है मेरठ की तरफ से, वहीं पर शुगर मिल पड़ती है और चारों तरफ रिहाइश का इलाका है, शहर के बीचों बीच है, बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, कई सौ बीघे में पूरी की पूरी चीनी मिल है, तो चारों तरफ कॉलोनियां हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, जो उनकी फैमिलीज रहती हैं, उनका भी प्रिमाइसिस इसी कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम का जो दफ्तर है, डीएम का जो आवास है, वो बिल्कुल इस चीनी मिल से मिला हुआ है। जी शुक्रिया रक्षित इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, 500 बच्चे बीमार पड़े हैं, बड़ी लापरवाही का ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।